मंदिर यहाँ से इतनी खूबसूरत कार पहुँच गए हैं। उसका कितना लगेगा आना जाना? 150 रुपया। कितना मस्त नजारा भाई, सब मंदिर दिख रहा है वहाँ पे माता जी। चलो यार, माता जी बुला रही हैं। मैं कैसा दिख रहा हूँ आप लोग बताइएगा। वाह क्या नजारा दे रहे हो भाई। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और हमारे पास है ये बैग। अभी आप सोच रहे होंगे ये बैग मेरे पास क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हम जा रहे हैं घर। छुट्टी मिल चुकी है और आज हम जा रहे हैं घर लमसम 20-21 दिन के लिए। और हमारे पास अभी इतने सारे नारियल वगैरह पड़े हैं क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मांगती रहती है कि यार रहते हुए इतने अच्छे जगह पे तो थोड़ा वहाँ का प्रसाद वगैरह लाया करो, तो मैं हमेशा ले जाता हूँ। और इस बार भी इतना सारा नारियल आप लोग को चाहिए तो बताइएगा। उससे पहले हमारी प्लानिंग थी कि हम थोड़ा माता जी का दर्शन कर लेंगे। अभी तो समय 4 या 5, 4:30 हो रहे हैं, तो हमने दीपू को कॉल किया हुआ था, तो हम देख रहे हैं दीपू भाई भी आ चुके हैं बाहर, लेकिन अभी क्या ही बताएं। है दीपू भाई, अभी हम बोले थे लड़के को कि आ जाइएगा आराम से, मतलब 3-4 बजे 3:30 बजे करीब आ जाएंगे, दर्शन कर लेंगे। लेकिन अभी क्या बताऊं, इस टाइम पे आए 5:30 हो रहा है और देखिए पूरा बारिश हो रहा है, मतलब क्या ही बताएं। अभी दर्शन ना के बराबर ही उम्मीद है कि हो पाएगा, क्योंकि बारिश में जाएंगे ना कुछ देर ही जाएंगे, 200 मीटर 300 मीटर जाएंगे भीग जाएंगे। अभी देखिए हम भीग ही रहे हैं। और क्यों लेट क्यों हुआ? लाइट क्या हो रही थी? लाइट इनका साहब का लाइट बन रहा था। और नहीं तो बाकी आप सबको दर्शन जरूर कराते, बाकी कोशिश करेंगे कि आप सबको दर्शन हो। हम भी जाएंगे क्योंकि घर जा रहे हैं तो घर दर्शन करना बनता है। देखते हैं अगर बारिश शांत होती है तो आप सबको पूरा ब्लॉग मिलेगा मैयर से कैसे जाना है, रोपवे में कैसे जाना है, दर्शन करने के लिए क्या क्या चीज, और लाइव दर्शन कराऊंगा माँ शारदा का आप सबका। तो अब बने रहो भी कंटिन्यू। देख बारिश शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऐसा लग रहा है प्लान चौपट हो जाएगा। देखो पूरी बारिश हो रही है। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, अभी मैं बैग उठाया था और बोल रहा हूं कि मैं छुट्टी लेके घर जा रहा हूं, तो आप सबको बता दूं मेरा घर है उत्तर प्रदेश और मैं रहता हूं मध्य प्रदेश में सतना डिस्ट्रिक्ट मैहर में, मैहर शहर में। यहाँ पे हम जॉब करते हैं, आपने सुना होगा मैहर में माँ शारदा का दरबार, वहाँ पे रोपवे चलता है। उस रोपवे में हम एक पोस्ट पे अकाउंटेंट असिस्टेंट में, तो वहाँ पे हम काम करते हैं। और यहाँ से हम जा रहे हैं घर क्योंकि छुट्टी मिल चुकी है और मेरा बीए का एग्जाम है। तो आप डेट ऑफ जर्नी बने रहो क्योंकि अब शुरू में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि तुम हो कौन और कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ठीक ना? तो आप ये लोग जान लो, ठीक ना? अगर थोड़ी थोड़ी भी धीमे पड़ जाए ना तो भीग के भी निकल जाएंगे, लेकिन देखते हैं। तो गाइस बारिश हो गई है बिल्कुल शांत और देख सकते हैं भाई आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है। और हम बिल्कुल अभी समय नहीं गवाएंगे क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। तो अभी हम चलेंगे सीधे मंदिर, ये बाइक है दीपू की और उससे मैंने मांग लिया है चाबी। और यहाँ से हम जाएंगे थोड़ा पेट्रोल वगैरह लेंगे, पेट्रोल लेने के बाद सीधे मंदिर चलेंगे। तो आप लोग बने रहो ना। पेट्रोल ले लिया है बस, अब निकलते हैं भाई क्योंकि शाम हो रहा है। तो मेरे साथ एक भाई ने लिफ्ट मांग लिया था और मैं आपको थोड़ा सा पूरे दिखा लेता हूँ मैयर का यहाँ का रोड रोड का, और फिर आगे हम आपको बताते हैं। बहुत जल्द पहुंचते हैं मैयर मंदिर को। तो आप लोग को जैसे कि मैं बताया कि बारिश हुई हुई है, पूरा बारिश है तो रोड गीली है। और हम जा रहे हैं अभी नॉर्मली स्पीड पे क्योंकि गाड़ी का जो कंडीशन है ना बिल्कुल ठीक नहीं है, ब्रेक वगैरह जरा भी लग नहीं रहा है। तो अभी बने रहो आप लोग, मंदिर काफी दूर से ही दिखाई देने लगता है तो हम आपको दिखाएंगे। तो हम मंदिर के पास आ चुके हैं काफी, आप देख रहे होंगे ऊपर पहाड़ी दिख रहा है आपको। और देखिए अभी प्रकृति का इतना अच्छा नजारा हुआ है कि पूरा हरा भरा एकदम बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। और मंदिर यहाँ से इतनी खूबसूरत दिखती है कि क्या ही बताएं आपको। तो यहाँ से हम ज़्यादा दूर नहीं है, 100-150 मीटर पे हैं और उसके बाद से हम सीधे पहुँच ही जाएंगे। मंदिर देख सकते हैं कितना ऊसम नज़ारा है। अभी हम शाम को 6 बजे आए हैं, 6:10-15 हो रहा है। चलो भैया आखिरकार पहुँच गए हैं और आपको अभी रोपवे में है, अभी रोपवे से जाएंगे हम। और वहाँ पे हमारा एक भाई हाई कर रहा है, तो मैं आपको इंटर करके बताता हूँ यहाँ का टिकट प्राइस कितना है और यहाँ पे क्या क्या सब प्रोटोकॉल है, किसको किस चीज़ को कैसे फॉलो करना है। तो अभी चलिए, बारिश हो रखा है तो पूरा गीला गीला हो रखा है माहौल। और अभी हम हैं रोपवे प्रांगण में। थोड़ा सा रोपवे के बारे में बता देते हैं, तो यहाँ आ जाए, ये हमारा टिकट काउंटर और ये हमारे गार्ड साहब। तो हम काउंटर पे सीधे आगे पहुंचते हैं, एक बार प्राइस पूछ लेते हैं कि यहाँ पे पर व्यक्ति कितना लगता है रुपये से आना जाना। 305 यहाँ पे टिकट मिल रहा है अभी। ओ भाई ओ सुनिए, एक लोग का कितना लेंगे आना जाना? अरे एक लोग का 150 रुपया
लॉकडाउन एक लोग यहाँ पे एक लोग का आना जाना 150 रुपए, ठीक है ना। चलिए एक लोग का कितना लगेगा आना जाना? 150 रुपया। तो भाई ने बताया 150 रुपए एक लोग का आना जाना। कितना टाइम लगता है जाने में? 7 मिनट, लमसम 5 से 7 मिनट, ठीक ना। तो अभी काउंटर से हम निकल चुके हैं और यहाँ के बाद जाने के बाद क्या प्रोटोकॉल होगा वो हम बताते हैं थोड़ा, क्योंकि आज है 9 जुलाई और आज संडे है, तो भीड़ थोड़ा बहुत ज़्यादा था, बारिश थोड़ा बहुत बारिश माहौल ख़राब कर दिया। और यहाँ से देखो भाई मंदिर का क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है। यहाँ टिकट लेने के बाद यहाँ आना पड़ता है, यहाँ आने के बाद क्या होता है आपको हम बताते हैं। तो बताइए इधर टिकट लेने के बाद क्या होता है, इधर टिकट ले आने के बाद यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टोकन नंबर देते हैं। अच्छा, बता रहे हैं कि टोकन नंबर देते हैं आप, अच्छी तरीके से बता पाएंगे। टिकट ले आने के बाद यहाँ पे क्या होगा? जैसा जैसा हमारा सिस्टम है, जैसे यहाँ पे टिकट से टोकन नंबर लेकर आते हैं, यहाँ पे टोकन नंबर देते हैं, टोकन नंबर देने के बाद मंदिर से लेकर आदेश है पर कम से कम संख्या पर आके दे देते हैं। मैं आपको बता दूं एक बार, टिकट लेके आइए, यहाँ पर टोकन नंबर लीजिए और इतनी सारी वेटिंग है तो आप यहाँ पर वेट करिए, वेट करिए, जब आपका नंबर आएगा अनाउंसमेंट हो जाएगा और फिर आप अपने रुपयों से यात्रा कर पाएंगे। तो ये अच्छी सुविधा है, आपको ज़्यादा लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं है, अपना टिकट ले लिए टोकन नंबर लगा कर यहाँ वेटिंग करिए, आपको अनाउंसमेंट होगा, आपका जो नंबर होगा तुरंत जाइए रुपये में बैठ जाइए। तो फिलहाल हम आपातकालीन एंट्री के बारे में आपको बताएंगे और वहाँ से एंट्री भी लेंगे। ये जनरल एंट्री है, यहाँ से आप जनरल एंट्री कर पाएंगे, जैसे कि वहाँ काउंटर है, वो आपको यहाँ से दिखा दूँ, वहाँ काउंटर है, काउंटर से टिकट लो आप, फिर यहाँ पे लाइन में लग जाओ, टोकन लगवा लो, टोकन लगवा के आराम से आप लाइन में लग जाओ, या आपको वेटिंग करना है तो वेटिंग कर लो, अनाउंसमेंट होगा उसके बाद से आप रोपवे में आसानी से जा पाओगे। यहाँ पे एक और व्यवस्था है आपातकालीन, जैसे कि दिव्यांग हो गए जो खड़ा नहीं हो पाएंगे तो उनके लिए भी है, हम वहाँ से एंट्री करेंगे और वहाँ के बारे में भी आपको बताएंगे। ये आपातकालीन एंट्री का मार्ग है जहाँ से दिव्यांग लोग और कुछ प्रोटोकॉल पे लोग भी जाते हैं, तो उसका भी बारे में बता ही देते हैं आप लोग को। यहाँ पे व्हील चेयर उपलब्ध है तो ये बहुत ही सही काम किया है। वहाँ पे दिख रहा है ड्रिल दामोदर रुपये द्वारा संचालित है रुपये, और यह है यहाँ मैंने जो बताया दूसरा वो था जनरल, और ये है कुछ VIP, जो मतलब आपातकालीन एंट्री भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ कि आप जैसे कि दिव्यांग लोग भी यहाँ से जा सकते हैं, कुछ प्रोटोकॉल पे लोग जाते हैं बट कुछ कुछ हेल्थ वगैरह तो प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप लोग बात करके जा सकते हो टिकट लेके, यहाँ से हम एंट्री करके बताते हैं आप लोग को। आपातकालीन एंट्री का लाभ कुछ इस प्रकार से लोग ले पाते हैं, तो ये अच्छी व्यवस्था है रुपये की तरफ से, यदि आपके पास कोई दिव्यांग हो, हेल्थ इश्यू हो, तो यहाँ से आप बिना किसी वेटिंग के आराम से आपातकालीन एंट्री मतलब इमरजेंसी द्वारा आप पा सकते हैं। ये हमारी सिक्योरिटी गेट और सब बढ़िया, अभी रोपवे में आ गए हैं, वो जो लाइन है जो जनरल की लाइन थी और ये जो बताया मैं आपातकालीन एंट्री इमरजेंसी, यहाँ से रोपवे चल रहा है, अभी हम रोपवे पे पहुँचते हैं ऊपर मंदिर में, फिर यहाँ के बारे में सब कुछ बताते हैं। इमरजेंसी गेट बताया था वो यहाँ से एंट्री होता है और यहाँ से लोग बैठते हैं, पूरे 5 मिनट का सफ़र है तो यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे, यहाँ से आपको पूरी लोकेशन मिल जाएगी देखने के लिए। चलिए अभी बैठते हैं और बीच का सफ़र दिखाते हैं, अभी तो टाइम हो गया लगभग 6:57 होने वाला है। चलो अभी आप भीड़ बोल सकते हैं, तो यहाँ पे केबिन में बैठ गए हैं हम, थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, केबिन में बैठ गए हैं, उसके बाद से आगे हम चल के बताते हैं आप लोगों को जैसे ही केबिन छूटती है। चलिए हम तो अभी हम रोपवे में हैं, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है आपको, ठीक ना। और यहाँ पे कुछ मैं शायद कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, वजह ये है कि रात हो चुकी है, बाकी मौसम यहाँ का बहुत ही मौसम है, यहाँ से मैं आप लोग को यदि कुछ नज़ारा दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। उसके बाद से मैं यदि रोपवे की केबिन के बारे में बात करूँ, ये 4 लोग की सीटें होती हैं यहाँ और 4 लोग आराम से मैक्सिमम बैठ जाते हैं। टाइम की बात करें कि रुपये आपको कितना मिनट में पहुंचा देता है तो बता दूं 5 से 7 मिनट लगता है एक तरफ पहुंचने में, ऊपर यहाँ नीचे स्टेशन से लेके ऊपर स्टेशन में पहुंचने में लगभग 7 से 5 मिनट लगते हैं। चलो अभी
और इसके ऊपर का अपडेट बताते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, प्यारी प्यारी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और आपका भाई साहब इसमें काला वाला दिख रहा होगा तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिए। अगले टाइम हम जो ब्लॉग बनाएंगे तो हम लेके आएंगे स्टैंड वगैरह, ट्राईपोड वगैरह, तो शायद उससे अच्छा रिकॉर्ड हो पाएगा। बाकी हम थोड़ा पीछे का भी नजारा दिखा दें आप लोग को, तो ये देखो अभी आप लोग पीछे का नजारा काफी मौसम है। कितना मस्त नजारा है भाई, शाम का 7 बज रहा है लमसम, और इतना बेहतरीन क्या ही बताएं अभी। अभी आ गए हैं हम होल्ड डाउन, ठीक ना, इसको होल्ड डाउन बोलते हैं, होल्ड डाउन बोलते हैं, मतलब ये यहाँ पे आप नीचे रहेंगे, फिर यहाँ से अब मेन आपकी चढ़ाई स्टार्ट होगी। तो आप लोग बने रहो, काफी मजा आ रहा है, आप लोग भी आई होप मजा ले रहे होंगे, दर्शन आप जरूर कराएंगे, आप लोग बने रहो बस। आप लोग यहाँ पे रोपवे द्वारा जा रहे हैं ऊपर, और बस जात चलते ही जा रहे हैं, टाइम अब तक 2-3 मिनट हुआ है, लमसम पहुंच जाएंगे, ये हम 3 नंबर टावर है। हाँ आप लोग को बता दूं, यदि मेरा फेस अच्छा दिख रहा होगा तो, ठीक ना, यहाँ पे जाने के लिए आप रोपवे मार्ग है, यहाँ से आप सीढ़ी से जा सकते हैं, और वेन द्वारा यानी गाड़ी से जा सकते हैं, गाड़ी अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं होगी, वो आपको लेना पड़ेगा समिति की गाड़ी जिसकी अलग टिकट लगती है। तो मैं आपको इसी वीडियो में रोड भी दिखाऊंगा, ठीक है, रोड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको रोड मिलेगा, ठीक, मैं रोड दिखा देता हूँ आपको। सामने आपको मंदिर दिख रहा है वहाँ पे, माता जी का मंदिर, काफी प्यारा लग रहा है। और ये रहा रोड, मैं रोड के बारे में आपको बता रहा था कि रोपवे ही नहीं है, आप रोड से भी जा सकते हैं, बट आपको समिति की गाड़ी लेनी पड़ेगी, उसका भी टिकट लगता है। तो जाने के लिए 3 रास्ता है सुगम, आराम से आप जा सकते हैं, ठीक। कहाँ से देखो कितना प्यारा लुक दिख रहा है, कितना मस्त नजारा है, पूरा मैयर एकदम डेंजर दिख रहा है भाई, क्या नजारा है, यहाँ से देखो आप। यदि मैं सही से दिख पा रहा हूँ काला, अगर मुझे कंफर्म लग रहा है कि मैं वीडियो में काला दिख रहा हूँगा, क्योंकि लाइट वगैरह नहीं है, शाम भी हो गया, काफी 7 बज रहे हैं, तो दिख ही रहा हूँगा, लेकिन काफी मजा आ रहा है, आप बने रहो, जरूर दर्शन कराएंगे। माँ शारदा का टेम्पल उधर है, और आपको शायद टेम्पल दिख रहा होगा, कितना बढ़िया लग रहा है भाई। चलो यार, माता जी बुला रही हैं, तो हम आ भी रहे हैं, वहाँ माता जी का टेम्पल दिख रहे होंगे, इतनी सारी केबिने हैं। हाँ एक जानकारी और भी बता दूं, ये आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार इतने सारी केबिन है, कितनी केबिन होंगी वहाँ से वहाँ तक, देखो ये डिपेंड करता है भीड़ पे, क्राउड पे। इसके बाद रोपवे के पास 34 केबिन है जो कि चलती है, बहुत ज्यादा क्राउड रहेगा, लेकिन कम क्राउड रहेगा तो 28-26 ऐसे करके चलता है। तो ये स्पष्ट रूप से हम बता नहीं सकते हैं, कुछ लोगों से पूछना पड़ेगा कितनी केबिनें चल रही हैं। ऑलमोस्ट हम आ ही गए, देखो कुछ नीचे का भी नजारा देख लो आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से रोपवे कितना खूबसूरत दिख रहा है, ओहो क्या लुक है। और हम आ गए, ये दूसरे स्टेशन आ गए 5 मिनट बाद, चलो अब आखिरी कार दर्शन होगा, ओहो आ गए हम लोग, यहाँ से गेट खोलने के लिए मिलेंगे, फिर सीधे चलेंगे मंदिर, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। और ये हाय, और अभी हम आ गए यहाँ पे नीचे, काफी 5 मिनट का सफर रहा, और यहाँ से लोग उतरते हैं और पुनः यहाँ से लोग चढ़ते हैं। तो ये है, इधर से लोग जा रहे हैं, एक इधर एक क्यू एरिया है, इधर से लोग जा रहे हैं और इधर से उतर रहे हैं। हाय, हम जा रहे हैं दर्शन करने और आप लोगों को भी कराएंगे। और बताइए कैसे हैं? बस माता रानी की कृपा है सब, जल्दी निकल रहा 2 नंबर गेट में, चलिए क्राउड कम है थोड़ा, हम चप्पल निकाल लेंगे अपना, चलिए बने रहिए। और ये देखो भाई, यहाँ पे लिखा है दर्शन मार्ग, दर्शन मार्ग के लिए आपको यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा दर्शन मार्ग के लिए, जनरल के लिए, यदि वीआईपी दिव्यांग वगैरह होते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं, यदि आपको कोई मेडिकल टर्म दिक्कत हो तो। खोलिए इसको तो, हाँ जी काफी अच्छा अच्छा आवाज चल रही है, एकदम सुंदर सुंदर मीठी मीठी, और आप लोग भी काफी ललायित हो गए माता जी का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिरें दिख जाएंगे माता रानी के दरबार के पास, जो कि नजारा काफी लाइट वाइट लगा के काफी अच्छा बना दिया भाई, मैं कैसा दिख रहा हूँ आप लोग बताइएगा। चलो आप लोग को थोड़ा दर्शन ही करा देते हैं इसी वीडियो में, दर्शन कराने के बाद सीधे चलेंगे
आप लोग को वाह क्या नजारा दिख रहा है रे भाई, फोटो लेना चाहिए एक दो थे। कितना खूबसूरत बादल दिख रहे हैं यार, कितना बेहतरीन नजारा है यहाँ पे, क्या ही बताऊं। अभी मैं इधर से लेता हूँ थोड़ा, शायद मैं भी अच्छा दिख रहा हूँ, ब्लू ब्लू हुआ है पूरा एकदम। देखो आप लोग कितना ब्लू ब्लू हुआ है। और ये मंदिर माँ शारदा, जय हो माई। यहाँ से लोग दर्शन कर करके पीछे से आ रहे हैं। फ्रंट पे आपको बता दूं, ठीक, यहाँ पे फ्रंट बताने के बाद सीधे दर्शन करेंगे, ज़्यादा भी टाइम नुकसान नहीं करेंगे। थोड़ी सी फिसलन है क्योंकि जैसे कि बताया आप सबको बारिश हो रखी है, तो यहाँ जल्दी जल्दी आते हैं भाई। ये है मेन गेट, यहाँ से आपको दर्शन होगा। जनरल लाइन, रोपवे लाइन भी यहीं आके मिलती है, और सीढ़ी से आए या वेन से आए आपको यहीं पे मिलना मिलेगा, और कहीं नहीं है। और इधर का आप लोग देख लो थोड़ा एक बार नज़ारा। चलो छोड़ो, टाइम जरा भी नुकसान ना करें, जाके दर्शन करते हैं फट से। तो आज संडे है तो भीड़ जाहिर सी बात है कि ज़्यादा रहेगी। चलते हैं हम उल्टा साइड, हम आपको बता दें कि यहाँ के चलिए यहाँ पे कैमरा अलाउ मना है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को दर्शन कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फोटो खींचना वगैरह सब कुछ मना है, फिर भी कोशिश करने में किया जाता है। चलिए मैं थोड़ा आगे चल के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। भीड़ खाली होती है फिर दर्शन कराते हैं आप लोगों को। बहुत भीड़ है भाई, काफी भीड़ था, बहुत ही ज्यादा। जैसे कि बताया आप लोगों को आज संडे था, और ये 150 रुपये मुझे मिला है प्रसाद, प्रसाद और चुनरी। चलिए दर्शन तो फाइनली हो गए, और एक बहुत ही स्पेशल दर्शन कराने जा रहा हूँ अभी आपको, अखंड ज्योति जो 1971 से जल रही है, और ये जरूर कराऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे छोटे बड़े मंदिरें दिखेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि घर जाना है, तो जल्दी कुछ डिटेल्स में बता नहीं सकता, लेकिन आई होप अगर दूसरी कोई वीडियो बनाए तो उसमें जरूर बताऊंगा आप लोग। कितना ब्लू ब्लू ब्लू, ये गुफा है, 1978 में ये ज्योति जलाई गई थी। रात का सीन लोगों का कुछ इसका मंदिर, रात का कुछ व्यू इस जमीन से 600 फीट की ऊंचाई पे है।